तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में आप सभी से शेयर करूंगी माय ऑनेस्ट डेली स्किन केयर रूटीन। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं डेली मेकअप करती हूँ। मेकअप करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आपका एजिंग प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है, और साथ के साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है। तो मैं ये स्किन केयर डेली फॉलो करती हूँ, तब जाके मेरी स्किन जो है मेंटेन रहती है। पहले ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा कहीं कहीं से ड्राई थी, कहीं कहीं से ऑयली थी, बहुत ख़राब सी स्किन थी मेरी। जब से मैंने अपना ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया, तब से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो हमारा पहला स्टेप होता है कोई सी भी स्किन केयर का, वो होता है क्लेंजिंग। तो मैंने अपने मेकअप रिमूव करने के लिए वैसलीन पेट्रोलियम जेली यूज़ करी है, क्योंकि डेली मेकअप रिमूवर मैं नहीं यूज़ करती अपने फेस पे। बाय चांस होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर रखा हो तब मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं पेट्रोलियम जेली से ही अपना मेकअप जो है रिमूव करती हूँ। और उसके अलावा मैं कभी कभी पैराशूट का कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ। तो पूरे फेस से मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया था। आप देखो कितने अच्छे तरीके से मेकअप जो है मेरा रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैंने दूसरा वाइप लिया तो उससे एक बार और पोंछ लिया था आईज़ के पास। थोड़ा आईलाइनर जो है वाटर प्रूफ था, थोड़ा बहुत लगा रह जाता है, तो मेकअप अच्छे से रिमूव हो गया। तो उसके बाद मैंने यूज़ करा था गुड वाइब्स का क्लिनजिंग फॉर्मिंग फेस वॉश। ये बहुत ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है। सबसे खास बात मुझे इसकी लगती है, इसके आगे एक नोज़ल है जो हमारी स्किन को डीपली क्लेंस करती है। तो मेरे पास में बहुत सारे फेस वॉश पड़े हुए, पॉन्ड्स का भी है, निंजन का भी है, गुड वाइब्स का भी है, और भी बहुत सारी ब्रांड के पड़े हुए हैं। पर मैं आज ये वाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा मेकअप जो है ना थोड़ा हैवी था, इस चक्कर में मैंने ये वाला फेस वॉश यूज़ करा। अदरवाइज़ मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। पॉन्ड्स का भी अच्छा फेस वॉश है अगर आपकी ऑयली स्किन या नॉर्मल स्किन टाइप है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पॉन्ड्स का फेस वॉश मत यूज़ करना। तो हमारा जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो 2 to 3 minutes तक का होता है। तो यहाँ पर मैं 2 to 3 minutes तक अपनी स्किन को जो अच्छे से क्लीन करा था। तो अच्छे से क्लेंजिंग हो जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन थे, एक स्क्रब के, एक तो बायोटिक था और एक डॉक्टर रैशल का था। मैं दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं एवरयूथ का जो मार्केट में पाउच मिलते 15 rupees वाले वो ले आती हूँ, उसको मैं दो बार यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर रैशल का कॉफ़ी बॉडी और फेस स्क्रब। और मैं आपको बताना चाहूँगी डॉक्टर रैशल के जो D10 रेंज है बहुत अच्छी है, आप चाहो तो उसको परचेज़ कर सकते हो। मैं आपको कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, और जो भी मुझे अच्छी नहीं लगी मैं आपको सीधा साफ मना करूँगी कि आप लोग वो चीज़ मत खरीदना। डॉक्टर रैशल के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, इसका स्क्रब भी बहुत अच्छा है, आप इससे बॉडी पॉलिशिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो स्क्रबिंग प्रोसेस हम करते हैं 3 to 5 minutes तक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर मैं रेगुलर बेसिस पर स्क्रब करती हूँ तो मैं स्क्रबिंग जो है 2 minutes से ज़्यादा नहीं करती। अगर आप बहुत रेयरली स्क्रब कर रहे हो, लाइक मंथ में एक बार, 15 days में एक बार, तो आप 5 to 6 minutes या फिर 3 to 5 minutes तक आप स्क्रबिंग करोगे। तो अच्छे से स्क्रबिंग करने से ये होता है हमारी स्किन पे जितनी भी डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है, और उसके साथ साथ आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ वो सॉफ्ट हो जाते हैं। स्क्रबिंग के बाद आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन पिन होती है उससे अपने ब्लैक हेड्स निकालोगे तो बहुत ईजिली वो निकल जाएंगे। तो मैं ना ज़्यादातर शीट मास्क यूज़ करती हूँ, क्ले मास्क मैं बहुत रेयर होता है समर्स में ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, बाकी विंटर्स में तो मैं शीट मास्क ही यूज़ करती हूँ। तो मैं डेली नहीं ख़रीदती, तो मैं क्या करती हूँ DIY अपना खुद बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने रोज़ वाटर ऐड करा, उसके बाद मैंने इसमें 1/2 tablespoon एलोवेरा जेल ऐड करा है, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी सीरम, ये रोज़हिप सीरम है गुड वाइब्स का। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मिनीसो के कंप्रेस्ड शीट मास्क, ये 250 rupees का पैकेट है, इसके ना टैबलेट्स होते हैं, इसको आप किसी वाटर में या फिर किसी भी उसमें डालोगे आप फॉर्मूले में, वो उसको सोक करेगा और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको इसमें डाल दिया है, पहले मैंने मिक्स करी है तीनों चीज़, उसके बाद मैं इस टैबलेट को इसमें डाल दूँगी, ये ओपन हो जाएगा, सारा इसके प्रोडक्ट जो है वो सारा सोक कर लेगा। एंड एज यू कैन सी कितना ज़्यादा ये फूल गया है। अब इसको ओपन करके फेस पे लगा लूँगी 10 to 15 minutes के लिए, जिससे ये होगा मेरी स्किन को जितना प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करना होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी मैं इसको हटा दूँगी 15 minutes के बाद। तो यहाँ मुझे 15 मिनट्स हो गए थे तो मैंने इसको रिमूव कर दिया था अपने फेस पे से, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लो मेरी स्किन पे आ चुका है। तो जितना ये बचा है फेस पे इसको मैं एब्जॉर्ब करा लूँगी, मसाज करूँगी मैं, आप देखो कितने अच्छे तरीके से मसाज कर रही हूँ, अपलिफ्ट मसाज कर रही हूँ सारी। उसका मैंने टोनर लगाया था ताकि जितने भी पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए, स्किन का pH है वो बैलेंस आउट हो जाए। उसका मैंने यूज़ करा था लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र से मेरी स्किन सेल्स जो है प्लम्प हो जाएंगी और मेरी स्किन जो है डीपली नरिश हो जाएगी। तो अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं सीरम्स वगैरह नहीं अप्लाई करती फेस पे, मैं क्या करती हूँ वैसलीन पेट्रोलियम जेल लेती हूँ और उसको ही अपनी अंडर आइज़ में और अपनी आईलिट पे लगा लेती।
और ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि सबसे पहले हमारी फाइन लाइन्स अपने आईज़ में ही आती है, थोड़ी बहुत हमारी फॉरहेड पे भी आ जाती है। उसके बाद मैंने लिप्स पे भी इसको लगा लिया था और अंडर आई में अच्छे से इसको पेनिट्रेट कराऊंगी। तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ मेरा स्किन केयर हो गया तो आप देख सकते हो रिज़ल्ट। तो आपकी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।